अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर। मेरा नाम मोहम्मद एजाज कासम है। जी व्यूअर्स, आज हम अदनान साहब के साथ मौजूद हैं यहाँ पे, और आज हम डिस्कस करेंगे बहरिया ग्रीन्स और प्राइवेट प्रोजेक्ट के हवाले से। आज हम इनसे पूछेंगे कि बहरिया ग्रीन्स में अगर हम प्लॉट लें और उसकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से कितना उसमें टाइम लग जाएगा, और उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हवाले से, और उसका एक छोटा सा कंपैरिजन, वैसे बनता तो नहीं है लेकिन यह है कि हम एक कंपैरिजन करेंगे प्राइवेट प्रोजेक्ट के हवाले से कि अगर वहाँ पे लेना बेहतर है या अपार्टमेंट लेना बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम एजाज भाई, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अदनान भाई, मुझे पहले तो बहरिया ग्रीन्स, क्योंकि एक तो उसका डिस्टेंस भी काफ़ी है, तो इस वक्त उसकी प्राइस वैल्यू जो प्लॉट की चल रही है वो 25 से 30 लाख रुपये चल रही है, तो उसके हवाले से ज़रा मुझे बताइएगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट कैसी है। अच्छा, इसमें एजाज भाई मैं बड़ा क्लियर हूँ अपने मौक़िफ़ में कि बहरिया ग्रीन्स अपनी जगह पे एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन जगह है। इसमें हम लोग ये कहेंगे कि लो कॉस्ट स्कीम में एशिया की एक बड़ी स्कीम आप इसको कह सकते हैं, जिसमें नया पाकिस्तान स्कीम और दीगर इसमें एच बी एल के अपार्टमेंट्स टावर इस तरह सारी चीज़ें आ रही हैं, तो ये एक लिहाज से काफ़ी बेहतर ऑप्शन है हमारे लिए। अच्छा, अब इसमें जो समझे थोड़ा सा एक मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वर्ड यूज़ किया, और इसमें जो थोड़ी सी एक नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाता है वो उसका डिस्टेंस है। बिल्कुल। अब डिस्टेंस क्या है, इस वक्त जो मौजूदा गेट है मेन गेट, यहाँ से 35-40 किलोमीटर का फासला हम ले सकते हैं। अभी जो प्राइवेट प्रोजेक्ट जिसका कह रहे हैं, इसमें अपार्टमेंट बुकिंग मेन गेट से आप कह लें आधे किलोमीटर पर, 1 किलोमीटर पर, 2 किलोमीटर के रेडियस तक आप कर लें कि जो आपको अपार्टमेंट ऑफर्स किए जा रहे हैं। अब उनकी कीमतों में और जो बहरिया ग्रीन्स का आपको आज के 5 साल बाद जाके एक ऊपर मज़ीद इन्वेस्ट करके जो घर मिलेगा, आप समझ लें कि इनकी कीमतें एक जैसी होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आज आपने 25 से 30 लाख रुपए का प्लॉट बताया, 30 लाख रुपए का हम समझ लें प्लॉट परचेज कर रहे हैं जो 75 स्क्वायर यार्ड्स है, बिल्कुल, और उस पर ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी आप कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, यानी कवर्ड एरिया ऑलमोस्ट उतना ही बन जाएगा जितना 125 गज के घर का, क्योंकि 3 या 4 बेडरूम आप बना सकते हैं। ऐसे ही है। तो आज 70 या 80 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आज हो रही है जी। तो अगर आज की ही रेशियो हम देखें तो तकरीबन आपका 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ के लगभग जाके घर तैयार होगा, लेकिन ये आज की कैलकुलेशन है हमारी जी, जी। जब वहाँ आपको पोजेशन मिल रहा होगा, जब वहाँ चीज़ें यानी लाइफ शुरू होगी, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उस टाइम कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट किसी और स्टेज पर होगी। तो अब जिस तरह से आपने कंपैरिजन करना चाहा और आपने खुद ही बता दिया कि जी नहीं बनता कंपैरिजन, लेकिन चले हम कंपैरिजन करते हैं किसी ना किसी हद तक कि जो यहाँ अपार्टमेंट मिल रहे हैं इस वक्त तकरीबन 1000 स्क्वायर फिट का, 1100 स्क्वायर फिट का आपको कुल मिला के 1 करोड़ या इसके लगभग अमाउंट बन जाती है। समटाइम कोई 5-10 लाख रुपये कम है लोकेशन के हिसाब से, और समटाइम ऊपर फ्लोर को या लोकेशन को देखते हुए 1 करोड़ 10-15 लाख है। जिस तरह ग्रैंड मस्जिद को फेसिंग हम लोग दे रहे हैं वो 1 करोड़ 16 लाख में बनता है जी जी, और 1100-1200 स्क्वायर फिट एरिया बड़ा ज़बरदस्त मतलब ये जगह बनेगी। अब मैं ये कहता हूँ कि अपार्टमेंट लेना भी बेहतर है आपके लिए, अगर इन केस आप लोग आज की डेट में सारी चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं, यानी आप उतनी ही पेमेंट डाउन पेमेंट के तौर पर दे रहे हैं जितने में आप बहरिया ग्रीन्स का प्लॉट ले रहे हैं। बहरिया ग्रीन्स अपनी जगह पर अच्छी चीज़ है, जो लोग महाना किस्तें नहीं दे सकते या एक बड़ी प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहते उनके लिए अच्छी चीज़ है, और अपार्टमेंट्स उनके लिए अच्छी चीज़ है जो आई डाउन पेमेंट देके अपना एक रेडी टू बिल्ट यानी रेडी टू शिफ्ट अपार्टमेंट जी जी बुक कर रहे हैं, और उसकी कीमत आज की डेट में डिसाइड कर रहे हैं, जो आने वाले 4-5 साल बाद उनको समझ लें बियर करनी पड़ेगी, वो आज डिसाइड करके और बड़े आराम से जो इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं उनके लिए ये अपार्टमेंट वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। ठीक हो गया अदनान भाई। अच्छा, जैसा कि आपने खुद ने कहा कि जो प्लॉट तो हम आज की कीमत के हिसाब से 25 से 30 लाख रुपए का ले रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन रेट बढ़ रहे हैं तो मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में ये ज़्यादा कंस्ट्रक्शन रेट हो जाए, तो वो एक जो 75 गज का जो प्लॉट है उस पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो सकता है बढ़ भी जाए, जबकि प्राइवेट प्रोजेक्ट की जो है ना वो रेडी टू बिल्ड, वो तो आपने आज डिसाइड कर लिया जी जी जी, वो तो आज डिसाइड में आपने ओपन छोड़ दिया कि आने वाले टाइम में जो रेट होगा वो आपके अप्लाई होगा जी। तो मेरा कंपैरिजन यही बनता है कि अपार्टमेंट बेहतर है या उस लिहाज से, तो देखिए अपार्टमेंट बेहतर है, और बाकी इसके बावजूद लोग हर तरह के लोकेशन पे हर तरह की चीज़ों को लेके कर रहे होते हैं। हो सकता है आज 25 से 30 लाख का प्लॉट है, तो आप 5 साल बाद की बात करते हैं तो वहाँ प्लॉट ही आपको 70-80 लाख रुपए का मिला है,
तो ये भी तो ऊपर बढ़ेगा ना। तो खैर अपनी अपनी जगह मेरी नज़र में दोनों चीज़ें ठीक, लेकिन दूसरा ये भी है ना कि वो आपने बात की 75 गज का है तो ये भी तो 1100 स्क्वायर फिट का, ये ऑलमोस्ट 125 स्क्वायर फिट बन जाता है, ये भी 125 यार्ड वो कवर्ड एरिया ऑलमोस्ट कवर्ड एरिया, क्योंकि उस पर ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी यानी आ जाके वहाँ पे अगर 3 या 4 बेड बन रहे हैं तो यहाँ पे 2 बेड बनेंगे या 3 बेड अगर बनते हैं तो, लेकिन स्केयर फिट एरिया आप ठीक कह रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही बनेगा, सेम बनेगा जी। अदनान भाई फ्यूचर किसका बेस्ट है? फ्यूचर तो देखें सबका ही ठीक है, अगर प्राइवेट प्रोजेक्ट का देखें जी जी। तो ये भी एक हाईली पॉपुलेटेड एरिया होगा और बैरिया ग्रीन्स में मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन फ्यूचर तो ऑब्वियसली वो भी ठीक है। लेकिन ऐसा है कि जैसा कि 2 साल अगर हम एक पीरियड देखते हैं बैरिया ग्रीन्स का, 2 साल के बाद पोजेशन वो देखिए, अगर किसी ने शिफ्टिंग की नीयत से करना है तो फिर आप अपार्टमेंट की तरफ चले जाएं, अपार्टमेंट बेहतर है। अगर किसी का पर्पज इन्वेस्टमेंट है और उसको थोड़ा सा सर्कुलेशन में लाना और थोड़ा लंबा टाइम है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो आप बैरिया ग्रीन्स में चले जाएँ जी। बहुत शुक्रिया अदनान भाई जी। व्यूअर्स, अपार्टमेंट के हवाले से या बैरिया ग्रीन्स के हवाले से अदनान भाई ने हमें ब्रीफली जो है ना इन्फॉर्म कर दिया इसके हवाले से, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरा कोई और क्वेश्चन भी बनता है अदनान भाई से। तो इसके हवाले से मज़ीद आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको या आपकी कोई और मज़ीद क्यूरीज हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।